मेरा नाम अमृता है। आप आज जनसुनवाई में आई हैं, क्या हाँ, आवेदन लेने आई हैं, लेकर आई हैं? मैं इस बात का आवेदन लेके आई हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस चीज़ के लिए आवेदन लेके आई हूँ कि मैं 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े से कभी किसी को कुछ नहीं जीत सकते। और जो राहुल गांधी जी की लड़ाई है और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो अंगूर होते हैं, जब वो अलग अलग होते हैं तो उनकी कीमत कोई नहीं करता, जब वो साथ में होते हैं तो सबकी कीमत होती है। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों ही समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कर लें, क्योंकि ना जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी मृत्यु पर शत्रु हो आप जाते हैं। प्रधानमंत्री बन के क्या करना चाहती हो, क्या ऐसी चीज है जो आप चाहती हो कि मैं बन के करूंगी, क्या करोगी आप? अगर मैं प्रधानमंत्री बन सकी तो उसके लिए मैं जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं इनको बंद करवा के गुरुकुल खुलवाना चाहती हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई पहले होती थी वो सही होती थी, क्योंकि जो आजकल की पढ़ाई लिखाई है इसका कोई मतलब नहीं है। रियल लाइफ में लोगों को संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों से धर्म छीनते हैं तो पाप बढ़ जाते हैं, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। अगर हम बच्चों को धर्म की चीज़ें पढ़ाएंगे, कलयुग से बचने का उपाय है, और कलयुग से बचने का उपाय मुझे मिल गया है, वो है रामचरितमानस। अगर हम संविधान की जगह रामचरितमानस रख दें तो हर बच्चे को राम बना दें, हर लड़की को सीता बना दें, हर लड़के को राम बना दें। सिर्फ तो इस बात को लेकर आप नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रही हैं? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बदलाव चाहती हूँ, जी। जैसे कि हम दूसरे देशों से भी लड़ाई झगड़ा बंद करें, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के परिवार वाले पैसे के द्वारा किसी इंसान की वो पूरा नहीं कर सकते। देश आप के हालात को लेके आपको क्या कहना है? देश के हालात इसलिए बेकार और बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि हम विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपनी जो संस्कृत है और हिंदी है इसको वापस लेके आए और सब लोग धर्म को पढ़ें और किसी से किसी का धर्म मत छीनो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, सब लोग अपने अपने धर्म पकड़ लो, सब अपने अपने धर्म की पढ़ाई करो, और ना किसी से किसी का धर्म छीनना, यही सबसे बड़ा पाप है।